हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीडीएम फार्मा क्लासेस। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, उसके टर्म्स क्या है और उसके कुछ रिलेटेड टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एंजाइम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले दिया किसने था। तो सबसे पहले दिया था IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बिकॉज एंजाइम जो होता है उसकी जो कैटेगरी है बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में है, सो इसको IUB के तहत में रखा गया है। अगर सबसे पहले हम जो एंजाइम होता है इसका हमारा 6 क्लासिफिकेशन है। एंजाइम जो होते हैं हमारे इसका 6 क्लासिफिकेशन है। इसको पहले हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद हम इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे जिसके आपको उस ट्रिक के भी बेस पे 6 क्लासिफिकेशन को नोटिफाई कर पाएंगे। फर्स्टली हम इसमें पहला जो है वो होता है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज में आप देख रहे होंगे, अगर डिवाइड करते तो दो वर्ड्स मिल रहे हैं, दो टर्म्स मिल रहे हैं, ऑक्सीडो एंड रिडक्टेज। मतलब ऐसा एंजाइम जो कैटलाइज्ड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस को, ऐसे को हम बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, फर्स्ट में हम ऑक्सीडेशन, सेकेंड वन इज रिडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ को प्रोसीड करा पाए, कैटलाइज करा पाए, उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फॉर्म में जानेंगे। इसमें हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए एक ए प्लस बी है, मान लीजिए जो हम इसको ले रहे हैं पहले, इसको जो हम ले रहे हैं पहले, ए जो होता है वो अगर पहले हम ए का ऑक्सीडेशन करा दिया और बी का हमने रिडक्शन कराया है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ए प्लस बी जो मिलेगा, तो प्रोडक्ट में ए रिड्यूस हो जाएगा एंड बी जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जो हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में। ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेज। इसमें एंजाइम जैसे ऑक्सीडेज आ सकते हैं, रिडक्टेज आ सकते हैं, परऑक्सीडेज आ सकते हैं, इस टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। सेकेंड वन जो हमारी प्रोसेस में है, जो सेकेंड एंजाइम से है प्रोसेस में, वो हमारा होता है ट्रांसफरेज। जैसा कि आप टर्म्स से ही आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब होता है कि ऐसा एंजाइम जो किसी चीज को ट्रांसफर करता है। बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ट्रांसफर किसी फंक्शनल ग्रुप को ही करेगा, तो इसमें लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप का ट्रांसफर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज एंजाइम। जैसे हमारा आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा एलानिन होता है, एलानिन अगर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ वर्क करे, एलानिन अल्फा कीटो ग्लूटरेट या ग्लूटरिक एसिड के साथ करे, एलानिन फास्फेट ट्रांसफरेज, तो हमें यहाँ पे मिलता है पाइरूवेट प्लस ग्लूटामेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज मतलब कौन सा, इसमें जो एलानाइन है ये इसके ग्रुप को ट्रांसफर करके क्या बना दिया, पाइरूवेट एंड ग्लूटामेट। सेम इसी तरह हमारा एक थर्ड है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस का मतलब हो गया कि ऐसी इसमें जो भी हम रिएक्शन कराएंगे उसको हम वाटर से रिएक्ट करा के जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलेज। मतलब इसमें जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन विद वाटर, ठीक, रिएक्शन विद वाटर होता है। जैसे इसमें हमारा फ्रक्टोज 16
बाईफॉस्फेट अगर हम लें फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में लेते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3 प्रोडक्ट में जो मिलेगा इसमें ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट राइट ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोलेजेस। इसी तरह नेक्स्ट जो इसमें हाइड्रोलेजेस के बाद हमारा आएगा वो आ जाएगा लाइगेजेस। लाइगेजेस का मतलब हो गया कि ऐसा एंजाइम जो हमारा कैटलाइज्ड करेगा ज्वाइनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे ज्वाइन हो जाएंगे वो होता है लाइगेजेस। और इसके अलावा एक हमारा और होता है दैट वाज दी लाइसिसिस। लाइसिसिस का मतलब हो गया कि जो हमारा ऐसा एंजाइम जो कैटलाइज्ड कराए तो उस कैटलाइज कराने के बाद वहां पे ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा मॉलिक्यूल्स की क्या होते हैं ब्रेक डाउन होके जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसको हम लाइगेजेस कहेंगे। इसके अलावा लाइगेजेस के अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन में आता है दैट वाज दी आइसोमरेज का मतलब हो जाता है जिनके मॉलिक्यूल्स सेम हो बट उनका मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। आइसोमरेज में देखिए स्ट्रक्चरली डिफरेंट ऐसा एंजाइम जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट दिखाए किसको प्रोडक्ट को ऐसा एंजाइम जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट दिखाए किसको प्रोडक्ट को उसको हम क्या बोलेंगे आइसोमरेज। जैसे हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का तो ग्लूकोज है ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है इसलिए ग्लूकोज डिफरेंट होगा किससे फ्रक्टोज से। ये हमारा क्या होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके एंजाइम पार्ट 3 जिसमें वी मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटीज की फैक्टर्स क्या क्या उसको अफेक्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।